हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास सेवन का जो पेपर है इंग्लिश का ईयरली एग्जाम के लिए उसके बारे में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जिन्हें आप केयरफुली पढ़ लें आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पैसेज दे रखा है जिसको केयरफुली पढ़ना है और सारे क्वेश्चनों के आंसर देने हैं सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी पैसेज के अंदर मिल जाएंगे इसलिए इसको ढंग से ज़रूर पढ़ें ये देखिए ये पैसेज है आपका और इसके क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ माइजर तो इसका आंसर देखिए आप यही देख सकते हैं लकी माल नेक्स्ट है व्हाट डेड ही वांट तो इसका आंसर आपको सामने दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डेड करोरी माल डू एवरी डे नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट डेड लक्की माल डू विद हिज सूज ऑन द नैट ग्राउंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हु थैंक द मैन नेक्स्ट है राइट द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों को आप देख लें एक साथ इसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे अभी आप क्वेश्चन क्वेश्चन देख लें फर्स्ट है हैविंग ए लॉट ऑफ मनी ऑफ और प्रॉपर्टी आर से बताना है आपको नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसे विच इज अपोजिट टू ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट डेट लकी मार डू इन हिज लाइफ नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी टू आंसर जिसमें पहला है फाइंड आउट द वर्ड विद सिमिलर वर्ड मिस्टेक तो मिस्टेक का सिमिलर एरर नेक्स्ट है जो यहाँ पर टेक लगे हुए हैं इन्हें आप ना देखें इसका आंसर बी होगा नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड विच डिफरेंट साउंड तो ये देखो बौ कओ लौन और हॉल हॉल लौन पौ कओ उस हिसाब से आपको साउंड लगाना है और देखना है इनके बहुत सारे वीडियो हमने बना रखे हैं साउंड के तो आप देख लें नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग तो करेक्ट स्पेलिंग ये बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट है ही खाली जगह टू स्कूल डेली तो ही ही के साथ आएगा कम्स तो ऑप्शन नंबर ब ही कम्स टू स्कूल डेली नेक्स्ट है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग तो ये बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट है राम एंड श्याम वर बेस्ट फ्रेंड तो इसमें एंड आएगा नेक्स्ट है सेवन नंबर विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डॉक्टर डॉक्टर से क्या रिलेट नहीं करता है ये देखिए नीडल सीजर्स इंजेक्शन और बैंडेज तो देखो बैंडेज इंजेक्शन सीजर नीडल तो बैंडेज नहीं करता है इंजेक्शन भी होता है सीजर भी होती है नेक्स्ट है एट्थ नंबर ऑस्ट्रेलिया एज खाली जगह देन एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड तो देन के साथ क्या आएगा लार्जर तो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है द स्कूल खाली जगह आई स्टडी इट वॉज वेरी स्मॉल तो या सही है नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा एज खाली जगह एम्पायर ऑफ दिस मैच तो मिस्टर शर्मा इज द एम्पायर ऑफ दिस मैच नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग फुल और ई आर टू द फॉलोइंग वर्ड प्रॉपरली तो पीस तो इसमें क्या लगेगा पीसफुल टीच टीच के साथ क्या लगेगा ई er, आर तो बनेगा टीचर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है राइट प्रोल ऑफ द सिंगुलर वर्ड्स तो बनाना है सिंगुलर वर्ड बनाना है आपको सॉरी प्रूरल बनाना है सिंगुलर से तो कंट्री तो कंट्री का क्या होगा कंट्रीज तो वाई हटेगा और आई एस लगेगा टूथ का क्या बनेगा टीथ डबल ओ हटेंगे और डबल ओ की जगह डबल ई आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर पाँच है आइडेंटिफाई द वर्ड विद इनकरेक्ट स्पेलिंग एंड रिराइट देम आफ्टर करेक्टिंग तो आपको इसमें देखना है किसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है और उसको वापस करेक्ट करना है तो आई गुट अप तो गुट अप की जगह क्या होगा गेट अप आर्ली की जगह अर्ली इन द मॉर्निंग तो देखिए ये आएगा अप और ये अर्ली और ये मॉर्निंग इनकी स्पेलिंग आप करेक्ट करते जाएं। देन आई प्ले इन वाटर तो प्ले और वाटर डब्ल्यू ए टी आर तो ये आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हैं इन्हें आप करेक्ट कर लें क्वेश्चन नंबर सिक्स है यूज द पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस वेन एवर वेयर एवर रिक्वायर्ड तो आपको पूरा लेटर पढ़ पूरा सेंटेंस पढ़ना है और उसमें आपको देखना है कहाँ कैपिटल लेटर की ज़रूरत पड़ेगी कहाँ और भी रिक्वायरमेंट पड़ेंगी तो वी सेड तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल में आता है तो वी का डब्लू कैपिटल में आएगा वी सेट टू दैम यू हैव बीन प्लेइंग सिंस लास्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको इसको अरेंज करना है जिससे मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके आपका दे रखा है राइट सिस्टर हेमा हर विद एटर्स तो इसमें आएगा हेमा राइट ए लेटर्स हिसाब से अरेंज कर लें सबसे पहले हेमा आएगा फिर आएगा आपका विल फिर राइट फिर ए लेटर सिस्टर हेमा राइट ए लेटर इसको बनाते हैं हम देखिए हेमा विल राइट ए लेटर्स सिस्टर इस तरीके से बनेगा नेक्स्ट है आर हेल्प रेमा बे चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठ फ्रेम द क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर यस आई हैव एन अर्जेंट वर्क सेकंड है सी वाज रीडिंग ए बुक क्वेश्चन नंबर नाइन है चेंजेज द सेंटेंसेज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस इसमें पहला दे रखा है सी इज रीडिंग ए बुक नेक्स्ट है आई वॉस्ट क्लोथ्स क्वेश्चन नंबर टेन है इमेजिन यू आर अजय अंजलि रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अचरल यू हैव एन अर्जेंट वर्क एट योर होम सो यू कैन नॉट केम टू स्कूल राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू लीव यू फॉर टू डेज आपको एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को दो तो दिन की छुट्टी के लिए अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं एमेजिन दैट यू आर अनिल अनिता राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाय सम बुक्स आपको एक लेटर लिखना है अपने फादर को और रिक्वेस्ट करनी है कुछ पैसे भेजने के लिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन हंड्रेड वर्ड्स ऑन द गिवन टॉपिक विद द हेल्पिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं इनकी हेल्प ले कर आपको एक पैराग्राफ लिखना है हंड्रेड वर्ड्स के अंदर क्वेश्चन नंबर बारह है आपको एक स्टोरी लिखनी है राइट ए स्टोरी हंड्रेड लेटर्स के अंदर आपको एक आउटलाइन दे रखी है जिसमें आपको वर्ड्स फिल करने हैं और एक प्रॉपर टाइटल भी देना है और एक स्टोरी तैयार करनी है तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक थैंक यू